सो नाउ वी आर एट मुंबई एयरपोर्ट और ये व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज दिस इज लाइक बिकॉज आई बीन एट दिल्ली एयरपोर्ट राजकोट एयरपोर्ट आई नेवर बीन एट मुंबई एयरपोर्ट सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू गाइज सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून इन माई चैनल एंड वी गोइंग टू एक्सप्लोर दिस एयरपोर्ट लाइक आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर एवरी इंच एंड एवरी हिंच of this airport so make sure subscribe okay? decoration mein ye kachra itna sara use karna itna sara kachra this is nothing but a kachra purane purane khilone kitchens and all kind of things bhai dekh rahe ho yahan pe bahut sare balloons hai plane so This is Air India, Indigo, Air India, Vistara. This is Vistara. So, और ये सारी बसेस जो हमको प्लेन के पास पहुँचाएगी कुछ ऐसे टर्मिनल वाले रास्तों से भी जा सकते हैं एंड इतना भी कुछ खास मुझे भी आइडिया नहीं है लेकिन वी गोइंग टू एक्सप्लोर इट तो दिस इज पता नहीं क्या है तो मैं नहीं बता सकता कि वॉट इज दिस क्या है ये है जो है यहाँ पे सारा सामान आता है हमारा सामान डायरेक्ट दूसरे एयरपोर्ट पे आएगा दूसरे टर्मिनल पे ये मुंबई पे नहीं किसी और एयरपोर्ट पे वी हैव सो मेनी शॉप्स ओवर हियर आई वेयर की देन व्हाट आर दिस दिस आर आई थिंक परफ्यूम्स प्राकोस ब्रांड के परफ्यूम्स है देन हल्दीराम है देन टेस्टिंग लॉन्च यहाँ पे क्या मिलता है लीकर है हर तरीके के लीकर है यहाँ पे हर तरीके की नहीं है सिर्फ प्रीमियम तरीके की है देन यहाँ पे भी लिकर ही है लिकर लिकर देन कोको चाट यहाँ पे चॉकलेट्स है जो भी तुम्हारे रिश्तेदार जो एयरपोर्ट से आके लाते हैं ना वो यहाँ से नहीं लाते ये तो महंगी वाली है वो सस्ती दुकान से लाते हैं और फिर से इतनी सारी दुकान है Audi. इंशाल्लाह अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो ये घर के बाहर खड़ी रखेंगे चॉप कटिंग चाय चाय और मेदू वड़ा सब कुछ मिलता है आयनी इज यहाँ पे एक सिंपल चाय शुरू होती है 180 रुपए से मेदू वड़ा 300 रुपए का ठीक है मेरे घर के पास 25 रुपए मिलते हैं 300 एयरपोर्ट के प्राइसेस बडवाइजर देन वी हैव बास्किन रॉबिन्स जहाँ पे एंटमैन काम करता था कोस्टा कॉफी चाय पॉइंट सो मेनी अदर थिंग सो वी आर एट स्टारबक्स राइट नाउ ठीक है अब वहाँ की चीज़ें हमको महंगी लगती थी तो सोचा कि सस्ती चीज़ें महंगी खाए इससे अच्छा है महंगी चीज़ें ही महंगी खाए सो वी हैव ऑर्डर्ड सो मेनी थिंग्स 3 थिंग्स विच कॉस्टेड मी लाइक जिसमें 4 लोगों का परिवार आराम से एक डिनर अच्छे से कर सकता है इट इज़ अ बिल आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज माई मॉम इज़ वॉचिंग एंड शी विल लेट मी इतना खर्चा क्यों करते हो ये वो सो लेट इट बी We don't have tissue, right? घूमते घूमते मैं आ गया हूँ अंधेरी स्टेशन एंड हमने सोचा मरीन लाइंस जाके फिर से कुछ खाते हैं
फिर से कुछ महंगा खाते हैं. सो वी आर गोइंग टू मरीन लाइंस. वैसे द अपडेट इज हम जा रहे थे मरीन लाइंस और गलती से मैं किसी अलग लोकल में बैठ गया मुंबई की और मैं पहुंच गया बोरीवली विरल साइड. ठीक है, फिर से हम अंधेरी आए एक ठीक ठाक कैफे में, ठीक ठाक पिज़्ज़ा ऑर्डर करके ठीक ठाक खाया एंड वी बैक टू द एयरपोर्ट. एंड नाउ अब जो क्लिप देखोगे वो मुंबई एयरपोर्ट के हैं. लेकिन अंदर आने और जाने के लिए एक दरवाजा खोल के भीड़ करते हैं. कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं. उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें. कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे. आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचे और नाक और मुंह ढक कर सांस लेते रहें. दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें. इस विमान में 10 आपातकाल अभी तक अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए वेरी थैंक यू मच. और अभी लाइक वी आर लैंडिंग एट हैदराबाद एयरपोर्ट और वहाँ से आगे का व्लॉग देखने के लिए तुम लोगों को पार्ट 3 में जाना पड़ेगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ तक देखा है तो लाइक तो करो, बिल्कुल करते ही नहीं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं तीसरे व्लॉग में. ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर हैदराबाद टुगेदर. बाय, खुदा हाफिज़.